वेलकम टू स्माइल। आजकल कुछ दिनों से ना आपकी जो अर्शिता प्रिंट है ना, उसकी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ी तो ज्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन अब देखिए मैं अभी बहुत ठीक लग रही हूँ। और देखिए मैं आप लोगों के सामने बातें भी कर रही हूँ। मुझे सर्दी खांसी और बुखार हो गया था और इसी के वजह से मैं थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ गई थी। अब मैं जितने भी मेरे दुश्मन हैं फॉरसेस, मैं उन पर जीत बना ली हूँ अपना, और मैं स्माइल फैमिली के सामने वापस आ गई हूँ। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये जीत हार का सिलसिला कैसा रहा। मैं जब बीमार पड़ गई थी ना, तो मेरा जो बॉडी है ना, उसका जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा थोड़ा वीक हो गया था। इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत मजेदार तरीके से बता देती हूँ। आप लोगों को भी सुनने में मजा आएगा और मुझे भी बताने में मजा आएगा। फ्रेंड्स, जानते हैं हमारी जो बॉडी का ब्लड है ना, उसमें WBC रहता है, और WBC हमारे शरीर का बॉडी गार्ड है। जब हम लोग आराम से रहते हैं ठीक ठाक और कुछ नहीं रहता हम लोग को, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, वो आराम से अपना ड्रॉ करते रहते हैं। उसे प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए अच्छा खाना खाना और भरपूर एक्सरसाइज करना और खूब सारा नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे चारों तरफ पूरे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया और वायरस घूमते रहते हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते। ये वायरसेस और बैक्टीरिया हमारे हाथ से और हमारी नाक से, हमारे मुंह से किसी भी तरह से बॉडी में जाते रहते हैं, और उसे जवाब देने को हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडीगार्ड WBC को भेज देता है। यूं तो हमारा WBC बहुत ताकतवर है और डेली वायरस और बैक्टीरिया अटैक करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, लेकिन कभी कभी हमारा WBC कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि बाहर के आए हुए जो वायरस और बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसीलिए हमारा WBC कमजोर पड़ जाता है। और जब WBC कमजोर हो जाता है ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को धीरे धीरे हीट करना शुरू कर देता है, और इसी कारण से हमें फीवर आता है। तो समझे, फीवर से घबराना नहीं है, फीवर एक सिग्नल है जो हमारा बॉडी हमें देता है। देखो तुम्हारा WBC हार रहा है, जल्दी से बैकअप भेजो, ये बताता है। जो अंदर वायरस जाता है ना, वो मल्टीप्लाई होते रहता है और एक विशाल फोर्स का निर्माण करता है और हमारे WBC को डिशुम डिशुम करके मारता है। और जब हम बैकअप भेजते हैं ना, तो वो हमारे बॉडीगार्ड के लिए जाता है, यानी WBC और इम्यून सिस्टम। और हम लोग जो खाना खाते हैं वो जब पेट में जाता है, तो उससे हमारा WBC भी खाता है, और जो डॉक्टर अंकल दवा देते हैं वो हम लोग पीते हैं, तो वो हमारे हथियार का काम करता है। WBC उस दवा को हथियार की जैसे इस्तेमाल करता है। तबीयत खराब रहने के कारण हमें खाना पीना का कुछ इच्छा नहीं करता है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खाएंगे तभी ना हमारा बॉडीगार्ड खाएगा जो अंदर है। बॉडीगार्ड खाना खाएगा, पानी पिएगा और मजबूत हो जाएगा, और दवाई हथियार बनाने के बाद दुश्मनों को ठिसुम 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 करेगा। और इसी तरह से हमारे अंदर एक घमासान युद्ध चलते रहेगा कुछ दिनों तक, और इस युद्ध में हमें WBC ही को जीत दिलाना है।
जब हमारा WBC जीत जाएगा तो बीमारी हो जाएगा फुर। जब तक हमारा वायरस पूरी तरह से नहीं मरता है तब तक हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपको WBC को जिताना है, अपने बॉडीगार्ड को जिताना है और अपने आप को जिताना है। और आज मैंने भी अपने आप को ठीक किया है और ताकि मैं आप लोगों के सामने आ सकूं। इसीलिए फ्रेंड्स कुछ बातों का विशेष ध्यान दीजिए। नंबर 1 अच्छा खाना, नंबर 2 ढेर सारा पानी पीना, नंबर 3 एक्सरसाइज करना, नंबर 4 अच्छी नींद लेना, नंबर 5 हमें हमेशा खुश रहना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को भेजकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर तो करना भूलिएगा। बाय।